सुप्रभातम। आज की इस ऑनलाइन क्लास में सभी भैया बहनों का स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम सामाजिक ज्ञान के भूगोल विषय में फर्स्ट चैप्टर जिसका प्रकरण है संसाधन। जैसा आप सब लोग जानते ही हैं, संसाधन के बारे में सामान्य जानकारी आप रखते हैं। सुबह जगने से लगाकर रात्रि के सोने तक आप विभिन्न प्रकार के संसाधनों का उपयोग करते हैं। जैसे आप कपड़ा, बर्तन, यातायात के साधन, कंप्यूटर, नदी, हवा, पर्वत आदि अनेक प्रकार के संसाधनों का उपयोग करते हैं, जिसे हम एक संसाधन कह सकते हैं। यदि इसकी परिभाषा देखी जाए तो वे सभी वस्तुएं जिनका हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं वो संसाधन कहलाते हैं। संसाधन क्यों हुए, क्यों बने, कैसे बने? तो कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो प्राकृतिक रूप से होते हैं, जिसका हम सीधे तौर पे उपयोग करते हैं, और कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिसका मनुष्य द्वारा उपयोग युक्त बनाए जाते हैं, जिसको प्रौद्योगिक विकास के रूप में हम कह सकते हैं। यानी समय और प्रौद्योगिक के द्वारा इन संसाधनों को मनुष्य उपयोग में लाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ये संसाधन के दो प्रमुख कारण हो सकते हैं, समय और प्रौद्योगिक, जिसके कारण वो एक संसाधन के रूप में देखे जाते हैं। जिस प्रकार पुराने समय में हम यदि देखते हैं, जैसे आपके घरों में दादी जी हैं या माता जी हैं, हल्दी का उपयोग जब चोट लग जाती है तो उसका उपयोग केवल मात्र एक संसाधन के रूप में, चोट लगने पर उसका उपयोग मेडिकल के रूप में किया जाता है, मगर वह एक महत्वपूर्ण संसाधन नहीं है, क्योंकि प्रौद्योगिकी के रूप में उसका उपयोग नहीं हुआ है, जिसको हम कह सकते हैं पेटेंट। अर्थात विचारों या उन वस्तुओं का एकाधिकार जब तक नहीं हो जाता है, जब तक वो उस व्यक्ति पर उसका अधिकार नहीं हो जाता है, जब तक वो पेटेंट नहीं होती। तो हल्दी का उपयोग केवल एकमात्र हम घर के घरेलू रूप में उपयोग करते हैं, है वो एक संसाधन, मगर महत्वपूर्ण संसाधन या प्रौद्योगिक संसाधन के रूप में वो नहीं आता है, जब तक उसको पेटेंट नहीं किया जाए। यदि मेडिकल फॉर्म के द्वारा यदि हल्दी को भी पेटेंट कर दिया जाता तो आज वो एक संसाधन के रूप में विकसित होता। तो संसाधन शब्द जिसे किसे कहते हैं, तो उसकी परिभाषा, तो ऐसी वस्तुएं या पदार्थ जिनका हम अपनी आवश्यकता अनुसार या उपयोग करते हैं वो संसाधन कहलाते हैं। दूसरा हमने यहाँ देखा है प्रौद्योगिकी, यानी संसाधनों का है जो कई बार हम सीधे तौर पर उपयोग करते हैं और कई बार है जो उसको उपयोग युक्त बनाने के लिए बनाया जाता है, तो वो प्रौद्योगिकी कहलाता है। संसाधनों का प्रौद्योगिक विकास कहलाता है, जिसके द्वारा हम संसाधन को उपयोग बनाते हैं। जैसे कपास ले लीजिए, कपास एक मनुष्य के द्वारा खेती की जाती है, उसके बाद उसको उससे कपड़ा बनाया जाता है, सूती कपड़ा बनाने के लिए कल कारखानों में जब, तो
तो उसके बाद वो उसके उपयोगी हो जाता है। तो प्रौद्योगिक विकास, तो जब तक समय और प्रौद्योगिक रूप में उसका महत्व नहीं था तो वह केवल कपास था, तो इसलिए वो संसाधन कब बना, महत्वपूर्ण संसाधन कब बना, वो जब उसका प्रौद्योगिक और समय के अनुसार उसका उपयोग युक्त बनाने के लिए काम में लिया गया। अब हम इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को यहाँ अपनी नोटबुक में लिखेंगे। पहला क्वेश्चन जैसे है, संसाधन किसे कहते हैं, तो इसका आंसर होगा वे सभी वस्तुएं जिनका उपयोग आवश्यकता अनुसार किया जाता है उन्हें संसाधन कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, प्रौद्योगिक शब्द का क्या अर्थ है, इसका आंसर होगा समय एवं कम खर्च में प्राकृतिक वस्तुओं को उपयोगी बनाना, जिसे प्रौद्योगिकी कहते हैं। तीसरा प्रश्न होगा पेटेंट शब्द का अर्थ लिखिए, तो इसका अर्थ होगा विचारों एवं वस्तुओं पर एकमात्र अधिकार। तो ये तीन जो क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में सरल करने हैं, इन प्रश्नों के आधार पर और जो हमने इस क्लास में हमने जो पढ़ा है, तो संसाधन के बारे में हम विस्तृत रूप से जान सकते हैं। धन्यवाद।